एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने का भूल गया। डॉलर विजिलांते बोल रहा था कि सब बैंक्स को नोटिफिकेशन भेजा है कि प्राइवेसी कॉइन रिलेटेड इसमें एक्सेस नहीं देने का, तो प्राइवेसी कॉइन बैन होने का बड़ा प्लान चल रहा है। डॉलर विजिलांते बोल रहा था, डॉलर विजिलांते। तो तुम सोचोगे कि मैं मनेरो और एपिक कैश बेच देगा, नहीं बेचेगा। देखो, दिस इज गोइंग टू बी ए फाइट। एक तो तुम इस तरफ रहोगे या फिर इस तरफ रहोगे। तुम अगर सोचते हो सीबीडी से कंप्लाई करना है, गवर्नमेंट से कंप्लाई करना है, तो तुम ये साइड जाओगे और ये साइड का मार्केट्स रहेगा, क्योंकि कुछ कंट्री कोलैप्स होना बहुत जरूरी है। कंट्री कोलैप्स होगा, वोट लोग ट्रांजैक्शन प्राइवेसी कॉइन से करेंगे, जैसे सूडान है। सूडान को बैंकिंग एक्सेस देगा नहीं यूनाइटेड नेशन, उस पर बैन लगेगा, हथियार मिलेगा नहीं, तो वो लोग मनेरो और एपिक कैश जैसा चीज होगा। इट इज अ फाइट, देर इज नो गारंटी कि प्राइवेसी कॉइन वाले जीतने वाले और ये लोग आ रहेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। आइदर तुम ये साइड हो या ये साइड, मेरा मनेरो और एपिक कैश में बेचेगा नहीं, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ फ्यूचर, क्योंकि इतना कंट्रोल रहेगा सीबीडीसी फॉर्म भर कि आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये लोग को झक मार के सबको यूनिवर्सल बेसिक के इनकम के लिए धकेलना ही है। ये यूरोप में लागू है। जो डॉलर विजिलांते बात कर रहा था वो हिसाब से ऐसा लगता है यूरोप में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू भी हो गया, तो ये फाइट होने वाला है। सब लोग पूछते अभी क्या करने का, अभी क्या करने का, कि मैं बेच दूँ क्या, खरीदो कभी। दिस इज गोइंग टू बी ए फाइट। और प्राइवेसी कॉइन में थोड़े क्रांतिकारी टाइप लोग हैं, वो लोग ही इन्वेस्ट करो जिनको सरकार से डर लगता है, वो ओपन क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करो। और आई थिंक कि प्राइवेसी कॉइन विल शूट अप इन इट्स यूज एंड इम्पोर्टेंस, इसीलिए मैं अपना होल्ड करेगा।